तो दोस्तों आज हम लोग पहले बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों एक ट्विटर यूजर ने फुकरा इंसान को हेट देते हुए एक ट्वीट किया, जहां पर उसने लिखा, जिया शंकर मेड हर नेम बाय हर ओन, सी डिड हार्ड वर्क एंड टुडे बिग बॉस कॉल्ड हर ड्यू टू हर वर्क, सी अर्न्ड फैंस ड्यू टू हर वर्क, व्हाट अभिषेक डिड गॉट सॉर्ट आउट फ्रॉम हिज ब्रदर एंड गॉट फेमस। इमेजिन ट्रिगर का भाई ना होता आज इतना फेमस ना होता। इस ट्वीट के ऊपर वजाहत हसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर उन्होंने उसको रिप्लाई करते हुए लिखे, नो ऑफेंस टू जिया शंकर, अभिषेक मलान ने अपने दम पर अपना एम्पायर खड़ा किया, टेल मी हाउ मच यू चार्ज फॉर ए स्टूपिड यूजलेस पैथेटिक ट्वीट लाइक दिस, आई विल पे यू डबल नॉट टू ट्वीट इन फेवर ऑफ फुकरा बट टू नॉट यूज ट्विटर एट ऑल। बाकी इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, फुकरा इंसान सिर्फ ट्रिगर्ड इंसान के वजह से ही फेमस हुआ? क्या उनका खुद का कुछ टैलेंट नहीं है? इसके ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना। फुकरा इंसान का बात चल रहा है तो मैं बता दूं, रिसेंटली फुकरा इंसान का मम्मी पापा एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली पूजा भट्ट फुकरा इंसान के परवरिश के ऊपर सवाल उठाया था और फलक ने बोला था कि ये वही बच्चे है जो सिर्फ मदर्स डे पे विश करते हैं। तो फुकरा इंसान का मम्मी पापा आज वाले ब्लॉग में इसी चीज के ऊपर रिएक्ट किया, जहां पर उन लोगों ने कुछ ये रिप्लाई किया, पूरा नहीं मानना, मतलब किसने बोला था कि इनके बच्चों की परवरिश क्या चेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई, परवरिश तो वाली ऐसी हुई। आप बोलते होंगे कैसे माँ बाप से ऐसे बोलते हैं, आज तक हम इतना डांट देते हैं, टचवुड हमारे बच्चे ऐसे हैं कि आज तक हमारे सामने बोले भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं है। बच्चे मेरे 26-26 साल के हो गए हैं, इस एज में तो बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, अपना वेल सेटल्ड है, कमा रहे हैं, फिर भी कहीं जाना होता है तो पैसे, पापा पैसे दे दो, पापा पैसे दो। उस साल गाड़ी के लिए बोलते रहे कि गाड़ी ले दो पापा, गाड़ी ले दो, गाड़ी ले दो, खुद कमा रहे हैं, अपने आप भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन जब तक इन्होंने हाँ नहीं करी तक गाड़ी नहीं आई ना हमारे। इतने बड़े होके ना कभी स्मोकिंग, ना कोई ड्रिंकिंग, किसी चीज से मिलो दूर है, कोसो दूर। जब भी कहीं जाना होता है हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पांव छू के जाते हैं, लोग बात करते हैं संस्कारों की, तो क्या ही बात करें हम संस्कार की, सबको पता है। एक बात रह गई थी वो भी मैं बोलना चाहती हूँ, ये बोलते हैं ना जो कि ये ऐसे बच्चे हैं जो मदर्स डे पे अपने एक फोटो शेयर कर देते हैं, यार सलमान खान भी अपना मदर्स डे पे फोटो शेयर करता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपनी मम्मी के साथ मदर्स डे की फोटो शेयर करती है, लेकिन मेरे बच्चों ने आज तक कभी फोटो नहीं डाली मदर्स डे पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऑल डेज आर मदर्स डे, सारे दिन मदर्स डे होते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए फोटो नहीं शेयर करते, लेकिन नेक्स्ट ईयर पक्का हैप्पी मदर्स डे की फोटो शेयर करवाऊंगी। नेक्स्ट न्यूज ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, फुकरा इंसान बिग बॉस में गए इसके लिए ट्रिगर्ड इंसान बहुत ज्यादा प्राउड है, लेकिन एक और चीज के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान अभी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। तो ट्रिगर्ड इंसान किस चीज के लिए प्राउड फील कर रहे हैं आप लोग खुद उनसे ही सुन लीजिए। पता है एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिसकी वजह से कुछ लोग ना ऐसे थे जो अभिषेक को उसका क्रेडिट नहीं देते थे, तुम समझ रहे हो, अभिषेक बहुत क्रेजी वीडियोस वगैरह बनाता है, लेकिन स्टिल हमेशा उसको एक चीज यही बोलते रहते थे कि ट्रिगर्ड इंसान का भाई है, ट्रिगर्ड इंसान का भाई है, बस उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। भाई बिग बॉस में जाके अब मैं फुकरा इंसान का भाई हूँ, ठीक है, तो नाउ ही हैज अर्नड दैट रिस्पेक्ट कि अब लोग उसको ये नहीं बोलेंगे ट्रिगर्ड इंसान का भाई है। अब उस दिन मेरे को एक भैया मिले नीचे एंड वो भैया जी मेरे को आके बोलते हैं, अरे आप अभिषेक के भाई हो ना, फुकरा इंसान के भाई। मैंने कहा हाँ जी, आई वॉज अ वेरी प्राउड ब्रदर, बिकॉज अभी तक उल्टा ही होता था, लोग उल्टा पूछते थे, बट अब चेंज हो गया है, वेरी वेरी प्राउड बिकॉज नाउ ही इज गेटिंग द रिस्पेक्ट जो उसको मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, नेक्स्ट न्यूज एल्विस यादव के बारे में। रिसेंटली एल्विस यादव मुंबई गए थे, इसलिए बहुत सारा लोग सोच रहे थे कि शायद बिग बॉस में उनका वाइल्ड कार्ड एंट्री है। इसके बारे में मैं कल वाले वीडियो में डिटेल में बात किया, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो आप लोग ओबाला वीडियो देख सकते हो। तो एल्विस यादव कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब किसी ने इसी के बारे में पूछा था, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कुछ ये कहा, बिग बॉस वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहे हो, भाई ये क्या होता है, पहली बात तो मुझे समझाओ ये होता क्या है वाइल्ड कार्ड वाला सिस्टम, और बाकी जो बिग बॉस का क्वेश्चन है भाई नो, एक बार और पूछा था भाई यार ने मेरे से, तो मैंने उस पर भी मना कर दिया था कि भाई मैं अभी तो कोई प्लान होगा ना जाने का होगा मैं खुद बता दूंगा तुम लोगों को, अभी तक तो कुछ नहीं ऐसा। भाई आप बिग बॉस जाओगी क्या, बिग बॉस मैं क्यों जाऊंगी, हम क्यों जाएंगे बिग बॉस, बिग बॉस तो तुम जाओगी, हम नहीं जा रही बिग बॉस। मना तो करिए, अभी समझ नहीं आता क्या।
नेक्स्ट न्यूज हर्ष बेनियाल के बारे में। तो हर्ष बेनियाल उनका न्यू वीडियो चेकमेट का अनाउंसमेंट कर दिया है जो 11th जुलाई 4 PM आउट होगा। उसके बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने कुछ यह कहा। हे गाइस, चेकमेट का ट्रेलर आ चुका है फाइनली। मैंने इंस्टा पे भी डाल दिया, मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, तो प्लीज आप दोनों जगह देखो। मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे आप देखोगे दोबारा तो थोड़ा उसके चांसेस होंगे ट्रेंडिंग में ऊपर आने के लिए। तो प्लीज देखो, शेयर करो। मैंने उसमें डेट डाल दी कब आ रही वीडियो। मेरा हमारी पूरी टीम की कम से कम 4-5 महीने से ज्यादा की मेहनत है। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरी पूरी फिल्म आ रही है यूट्यूब पे, तो प्लीज जाके देखो। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, कमेंट जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड जो कर सकते हो ट्रेलर कर दो। ठीक है, थैंक यू, लव यू, बाय। न्यू वीडियो का बात चल रहा है तो बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। शायद कैरी मिनाटी भी न्यू वीडियो का काम स्टार्ट कर दिया। दीपक चार एक इंस्टाग्राम टूरिस्ट पोस्ट किया जहां पर उन्होंने लिखा है, रिहर्सल स्क्रिप्ट इज फनी, सी आई एम स्माइलिंग व्हाइल रीडिंग। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।